सबसे पहले आप लोग ये देख लेंगे अगर इस तरह का आईडी है और आपको डिलीट करना है तो कैसे क्या प्रोसेसिंग करना है। आज मैं इस आईडी को डिलीट करके बताऊंगा आपको, 100% सोल्यूशन दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। तो गाइज क्या चैट सब बढ़िया, तो देखिए गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का आईडी है जो कि आपको हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा आईडी बन चुका होगा या फिर कोई आईडी होगा जो कि ज़्यादातर क्या होता है, हैक हो जाता है, कोई यूजर आईडी पासवर्ड ले लेता है तो प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है तो इसके लिए आईडी को डिलीट करना है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का आईडी को डिलीट कैसे करना है, क्योंकि एक एक परसेंट मतलब एक एक तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, इंस्टाग्राम के आईडी पर आना और आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, आपको एक लाइक दिख रहा होगा, एक लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है भाई, और कुछ नहीं करना है, एक लाइक एक सब्सक्राइब, बाकी का प्रोसेसिंग मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पर आपको देख के क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक किया और एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पर थ्री डॉट, आप लोग देख सकते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ आपको उस वैसे स्टेप को साथ फॉलो करते हुए जाना है, क्योंकि अब न्यू अपडेट आ चुका है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक यहाँ पर ऊपर में ही अकाउंट सेंटर देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, अब किसी भी सेंटर पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है, बाकी का प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये देखिए इस पर क्लिक करना है और अब कुछ नहीं करना भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हर एक स्टेप धीरे धीरे सीखे बट ज़रूर सीख जाए, क्योंकि किसी को बताने के लिए भाई एक बार सीख जाइएगा तो उसके बाद किसी को भी बता सकते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, जी हाँ आपको इस पर क्लिक करना भाई, और किसी पे भी नहीं क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल जिससे देखने को मिलेगा आपको उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, आपको इस पर क्लिक करना है नीचे वाले में, जी हाँ देखने को मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड योर कंट्रोल, मतलब कहना चाह रहा है कि आपका जो अकाउंट का कंट्रोल है ना, ओनरशिप का, सब यहीं से कंट्रोल होता है, इस पर क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं करना है, फिर यही इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ना आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्प्रोरी डीएक्टिव और परमानेंटली मतलब डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल, यहाँ पर सारा डिलीट हो जाएगा, एरो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम आईडी पे सेम क्लिक करना को इस पर क्लिक कर दीजिएगा और बाकी कुछ नहीं करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आपको फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट अकाउंट, अब देखने को मिलेगा ना भाई, अब ज़्यादा झोल नहीं है, पहले बहुत प्रोसेसिंग करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता था, तो अब पहले किसी से टाइम नहीं लगता है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर एरो पे आ जाएगा, इस पे नहीं इस पे, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखिए डिलीट योर यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप किसी भी एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या चीज़ पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ सेकेंड अकाउंट क्रिएट, मतलब क्रिएट करूँगा सेकेंड अकाउंट, इसलिए मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखिए आपका अकाउंट रहा और देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू करना है। और सबसे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब तो कर दो भाई। जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर पासवर्ड देखने को ऑप्शन मिलेगा, आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेसिंग आता है। यहाँ पर देखिए पासवर्ड देना कंपलसरी है, अगर नहीं देने के लिए आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फॉरगेट करना पड़ता है, यहाँ पर ये भी तरीका आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया पासवर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग दे देना जो भी आपका पासवर्ड है, यहाँ नहीं याद है तो भाई फॉरगेट कर देना। तो इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है, तो देख सकते हैं कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपका आईडी डिलीट हो जाएगा, ये बोला फोर मतलब 24 जुलाई तक ये आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा, मतलब 24 जो है ना आज की डेट में भाई एक मंथ तक आपको लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या होगा फिर से ये एक्टिव हो जाएगा, एक मंथ तक क्लिक नहीं करना है, नहीं इसको ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है, जैसे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे भाई ये देखो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर मैं डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दिया हूँ, ये देखो अभी जस्ट डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो आईडी आप लोग फॉलो करते हैं वही आईडी आ चुका है। अब बाकी का आप लोग सब्सक्राइब कर दिया, आपको 100% मैंने बता दिया कैसे यहाँ पर डिलीट करना है, तो लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना, मिलेगा।